Hoi, hoi! Hoi! Hoi, hoi! Hoi, hoi! Hoi, hoi! Hoi, hoi! Hoi, hoi! ऐसा है, ये तो जो कुछ लोग थे गुजर समाज के लोग, इन्होंने जो CIG का पुतला फूंका सिविल लाइन का, हम लोग को SP साहब से मिलना है कि उनको ये कहा कि किराएदार और मकान मालिक का विवाद है, उसके अंदर जो सिविल लाइन थाने के CI है वो पार्टी बन करके किराएदार को धमका रहे थे, उनको 151 में पहले बंद करने के लिए ले गए, उसके बाद में उनके 3-4 ट्रैक्टर जब्त कर दिए, मतलब जाति विशेष को टारगेट बना करके CI साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। विधिक प्रक्रिया अपना करके कोई यदि किराएदार को खाली कराए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे राज्य में सरकार है और ऐसे जो तानाशाही है पुलिस की और किसी CI के द्वारा व्यक्ति विशेष को धमकाने का, कब्जे खाली कराने का काम, ये सिविल प्रक्रिया है, लेकिन इसके अंदर यदि पुलिस इस तरह से दादागिरी करके तानाशाही करके कोई थानेदार विशेष रूप से किसी को टारगेट बना के काम करे, तो इसी बात को लेकर हमने SP साहब से मांग की है कि इस तरह की दादागिरी कम से कम CI नहीं करे। ये दोनों सहमति से जो किराएदार और मकान मालिक है, इनके आपस में बहुत प्रेम था और ये पहले भाईचारे की तरह रह रहे थे, अब इनके आपस में डिस्प्यूट हो गया है, क्योंकि पहले करीब 10-12 साल पहले जब ये किराएदार था उस समय इन्होंने लिखापढ़ी नहीं करी होगी, लेकिन निसंदेह ये जबरन इसने कोई कब्जा नहीं किया है, ये किराएदार है पहले से भी और वो जो मकान मालिक है वो भी मानते कि ये किराएदार है, लेकिन किराएदार में विधिक प्रक्रिया अपना के खाली कराएं, इस तरह ये नहीं कि अभी वो जबरन अभी घुस गए, ये CI साहब अभी आए, ये पिछले 12-15 साल से यहाँ पर किराएदार है, इसलिए इस तरह की, लेकिन आज तक आप भी देखते हैं कि पुलिस का काम किराएदारों को खाली कराना नहीं है, पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे और किराएदार और मकान मालिक का जो सिविल विवाद है वो न्यायालय इसके लिए अधिकृत है, न्यायालय जो डिसीजन करेगा उससे हम मानेंगे उसको। क्या नाम से किराएदार? किराएदार रामदयाल गुर्जर।